मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मेगा लव डिटेल से आप सभी का स्वागत करती हूँ इस चैनल पे। आज है फर्स्ट डे हमारा यूरोप का और आज का ब्लॉग रहेगा क्लोन सिटी को एक्सप्लोर करना। तो अब जा रहे हैं क्लोन सिटी, कैसे यहाँ से हम ट्रेवल करने वाले और वहाँ जाके क्या क्या चीज़ें देखने वाले, ये सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी इसी वीडियो में, इसी ब्लॉग में। तो इस ब्लॉग को आप एंड तक देखते रहिए। चलिए मिलते हैं अब क्लोन सिटी की तरफ। आज जा रहे हैं क्लोन को एक्सप्लोर करने के लिए, क्लोन सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए, और उसके फर्स्ट स्टॉप पर हम पहुँचे। सो हम लोग फर्स्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं डोम का कैथेड्रल। तो अभी मैं पहुँची हूँ डोम के स्टेशन के पास। तो ये है स्टेशन जहाँ से मैं आपको यहाँ का व्यू दे रही हूँ। तो ये स्टेशन पर हम पहुँचे डोम स्टेशन पर, और अब जाएंगे कैथेड्रल को एक्सप्लोर करने के लिए, देखने के लिए। तो चलिए आप मेरे साथ इसे देखिए। तो गाइस ये देखिए, ये है डोम कैथेड्रल का स्टेशन और यहाँ पे सारे ब्रांड्स है। यहाँ पे है स्टारबक्स, डोगलास, सारे ब्रांड्स भी है इस स्टेशन पर। अगर आपको स्नैकिंग करनी है तो आप कर सकते हो, और बॉडी शॉप भी है। और उसके साथ साथ बाहर निकल कर आप देखिए, मुझे अंदर से ही डोम कैथेड्रल दिख रहा है। तो अब जाएंगे बाहर, जाके इसका व्यू लेंगे पूरी तरह से और इसे एक्सप्लोर करेंगे। हम पहुँचे अब डोम के पास, डोम कैथेड्रल के पास। ये देखिए इसका ब्यूटीफुल व्यू, और उसके पास साथ साथ ऐसे लग रहा है जैसे ऊपर से आकाश और जो क्लाउड्स जा रहे हैं वो इतना अच्छा उसका व्यू दे रहे हैं। तो कैथेड्रल की थोड़ी जानकारी आपको देते हैं कि एग्जैक्टली कैथेड्रल की जो हिस्ट्री क्या है। तो ये जो डोम कैथेड्रल है, ये अराउंड 1200 एडी में बना हुआ था, फर्स्ट जो बना था। उसके बाद इसको जो अभी इस साइज का जो डोम है वो अराउंड 1880s में बना था, अराउंड 150 ईयर्स पहले। फिर वॉर के टाइम पे ये डैमेज हुआ, फिर 1950s में इसको वापस से रिस्टोर कराया गया। ये वर्ल्ड का थर्ड हाईएस्ट कैथेड्रल है और यूरोप का सेकेंड हाईएस्ट कैथेड्रल है। इस कैथेड्रल की खास बात यह है कि कम्प्लीटली एक ही स्टाइल में, पूरा का पूरा गॉथिक स्टाइल में पूरा कैथेड्रल बनाया हुआ है। कि जो इसके जो टावर है, ये दो टावर है। यूजुअली सारे कैथेड्रल के यूरोप में जो टावर होते हैं वो एक ही टावर होता है, पर इसको दो टावर है ऊपर, जो काफ़ी अनयूजुअल है बाकी कैथेड्रल्स के हिसाब से। गाइस ये है प्रेयर स्पॉट और यहाँ पर सब लोग कैंडल्स लगा रहे हैं। जर्मनी में बहुत क्वाइटली सारे काम होते हैं, इसके लिए शायद आपको मेरा वॉइस थोड़ा सा लो लगे। तो हम चर्च के अंदर है, अब कैथेड्रल के अंदर है, और इसका पूरा व्यू मैं आपको दे रही हूँ। देखिए कितने सुंदर तरीके से सारी चीज़ें बनाई गई है, और यहाँ का आर्किटेक्चर सच में देखने जैसा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। इतने सारे टूरिस्ट आए हैं यहाँ पर इस चीज़ को देखने के लिए। अगर आप जर्मनी आते हो तो क्लोन सिटी के इस डोम स्टेशन पे आकर आप इस कैथेड्रल को ज़रूर विज़िट करिए, सच में देखने जैसी चीज़ है ये। गाइस क्लोन ये जर्मनी के बर्लिन, हैम्बर्ग और मुनिक के बाद का चौथा बिगेस्ट सिटी है। क्लोन ये राइन नदी के दोनों तरफ बसा हुआ है। इस सिटी में क्लोन का फेमस कैथेड्रल है, जो कि क्लोन के आर्क बिशप का निवास भी है। क्लोन कैथेड्रल को रोमन कैथोलिक कैथेड्रल चर्च भी कहा जाता है। यह यूरोप का सबसे बड़ा गॉथिक चर्च है। इसका विशाल ट्विन टावर 515 फीट हाइट का है। इस कैथेड्रल को 1996 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। कैथेड्रल में सबसे फेमस इसका थ्री किंग श्राइन है, जिसका निर्माण 1167 से 1191 तक क्लोन के आर्क बिशप फिलिप वॉन हैंसबर्ग ने कराया था। ट्रेडिशनली ये माना जाता है यहाँ थ्री वाइज मैन के अवशेष हैं। इस सेक्रामेंट चैपल में मिलान मैडोना की गौथिक कार्विंग रखी है, जो ब्लेस्ड वर्जिन और इन्फेंट जीसस को दर्शाती है। अब एंजॉय करिए इस ब्यूटीफुल व्यू को।
हमने भी यहाँ कैंडल लगाई और प्रे किया हेल्दी लाइफ के लिए। हम अंदर से देखकर तो आ गए, लेकिन बाहर भी इतने टूरिस्ट और इतना प्यारा सा वातावरण है। आप देखिए साइड पर एक लोकल्स यहाँ का म्यूज़िक बजा रहे, तो यहाँ पर सच में आने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है ये। यहाँ पर क्लोन अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो इस तरह से एक आपको ट्रेन भी मिलती है जिसके आपको पे करने होते हैं 12 यूरो, और उसके साथ साथ सिटी टूर के लिए एक बस भी है जिसके आपको पे किए करने होते हैं पर हेड 20 यूरो, तो इसको भी आप ले सकते हो। ये देखिए यहाँ पर है ऐसी ट्रेन जिसमें लोग जाके देखते हैं, और उसके साथ साथ आगे है सिटी टूर की बस। क्लोन के कैथेड्रल को देखने के बाद लगी है बहुत जोर की भूख, तो यहाँ पर सामने ही मैकडोनल्ड है, बराबर सामने ही है कैथेड्रल के, तो वहाँ हम अंदर आए हैं और अब ले रहे हैं यहाँ से बर्गर। हमने जो तीनों बर्गर वेज में देखे थे वो तीनों चूज़ किए, और उसके हमें पड़े हैं 22 यूरोस। तो चलिए बस अब पे करेंगे और आपको बताती हूँ मैं टेस्ट कैसी है। सो गाइज, हमने तीन फ्लेवर लिया है। हमने लिया है प्लेन मैक प्लांट लिया है, और हमने एक लिया है टोमेटो, और एक लिया है मैंगो चिली। ये शायद थोड़ा स्पाइसी रहेगा, स्पाइसी मैं खाती नहीं, वो साहिल खाएगा, तो मैं इसको ट्राई करने वाली हूँ टोमेटो बर्गर को। टोमेटो का फ्लेवर आ रहा है, लेकिन ऐसा वो टोमेटो टोमेटो नहीं लग रहा है। इट्स नाइस टेस्टी एंड रियली ऑथेंटिक, खा सकते हो आप, वेज में अच्छा है। गाइज, हम क्लोन सिटी कर रहे हैं एक्सप्लोर, और पहले हमने किया डोम, जो मैंने आपको पूरी तरह से दिखाया डोम के कैथेड्रल को। अब हम आए हैं फ्लोरा के यहाँ पर, फ्लोरा एंड बॉटनिकल गार्डन। अभी ये स्प्रिंग सीजन है तो यहाँ पे फ्लावर्स बहुत ही अच्छे रहेंगे, तो बस चलिए देखते हैं इस बॉटनिकल गार्डन को। मैप काफ़ी ह्यूज बड़ा ये फ्लोरा बॉटनिकल गार्डन है, तो बस चलते अभी से देखने के लिए। यहाँ से ये रास्ता है, चलिए देखते हैं इसे। दोनों तरफ हरियाली है। इस गार्डन का निर्माण 1863 में एक प्राइवेट कंपनी ने 5.5 हेक्टर फ्लोरा पार्क के रूप में किया था। यहाँ बॉटनिकल गार्डन भी बनाया गया है।
इस गार्डन में 10,000 टाइप्स के प्लांट्स हैं। यहाँ पर मैग्नोलियास, रोडोडेंड्रॉन्स, कॉनिफरस ट्रीज, मैपल्स और हेमा मेलेडेसिया जैसे मेडिकल प्लांट्स भी हैं। यहाँ पर 4 ग्रीन हाउस है जिनमें 5,000 विविध प्रकार के प्लांट हैं। मेन ग्रीन हाउस में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट प्लांट्स हैं और बाकी के ग्रीन हाउस में ट्रॉपिकल क्रॉप्स है जैसे बाम्बू, सिनेमन, ककाओ, कोकोनट, पाम, कॉफ़ी, पाइनएप्पल, शुगर केन और वेनिला। छोटे वाले ग्रीन हाउस में वाटर और मार्श प्लांट्स हैं जैसे राइस, तारो, लोटस और वाटर लिलीज। यहाँ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया से प्लांट्स लाए गए हैं। यहाँ पर कैक्टस हाउस भी है। गाइज यहाँ पर देखिए ग्रीन हाउस है, तो चलिए देखते हैं अंदर जाके कौन से प्लांट्स इन्होंने ग्रीन हाउस के अंदर रखे। काफ़ी तरह के प्लांट्स है और ऑल ओवर वर्ल्ड से लाए हुए प्लांट्स को यहाँ पर उन्होंने रखे। दोनों तरफ बहुत ही वैरायटी के प्लांट्स रखे इस डोम के अंदर। अराउंड 4 to 5 ग्रीन हाउसेज है जो हमने अभी देखे और उसी के साथ यहाँ पर ऐसे कैफ़े भी है जहाँ पर आप टी, कॉफ़ी और अल्कोहल एंजॉय कर सकते हो। गाइज यहाँ पर एक छोटा सा पॉन्ड है और उसके किनारे पे काफ़ी बेंचेस लगी हुई है ताकि लोग बैठ के इस ग्रीनरी को एंजॉय कर सकें। काफ़ी बड़ा है ये गार्डन और बहुत सारे ऐसे डोम बने हुए हैं जिसमें आपको वैरायटी ऑफ प्लांट्स, हर तरह के प्लांट्स आपको यहाँ देखने मिलेंगे, फूल देखने मिलेंगे। गाइस क्लोन सिटी के और एक टूरिस्ट स्पॉट को हम विजिट करने आए और वो है राइन हार्बर, तो चलिए जाके इसको अब एक्सप्लोर करते हैं। गाइस ये है द्रेयर ब्रिज, तो चलिए इसे देखते हैं। सो गाइस अभी हम राइन हार्बर जा रहे हैं, तो राइन हार्बर ये जो है, पहले हम एक्सप्लेन कर दें आपको क्या है कि राइन हार्बर ये एक आइलैंड है जो राइन नदी के बीचों बीच में, जिसको उन्होंने अभी एक हार्बर बनाया जहाँ से यहाँ के जो प्राइवेट बोट्स है, जो क्रूज शिप्स है जो निकलती है। इसके अलावा राइन हार्बर में काफ़ी मॉडर्न आर्किटेक्चर के आपको अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स और अच्छे सारे अम्यूजमेंट पार्क और अलग अलग राइड्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है अंदर। मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये है लिंट का म्यूज़ियम। लिंट का हमने ऑलरेडी स्विट्ज़रलैंड का एक वीडियो किया है, उसकी लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे दूंगी।
तो सेम उसी तरह का आपको, अगर आप स्विट्जरलैंड नहीं जा सकते हो लेकिन अगर आप जर्मनी में हो या जर्मनी विजिट करने आते हो तो लिंट का म्यूजियम यहाँ पर भी आप देख सकते हो, उसी तरह का म्यूजियम आपको यहाँ देखने मिलेगा। तो बस इसका मैं आपको बाहर से व्यू दे रही हूँ, हमने ऑलरेडी इसका एक अच्छा सा ब्लॉग बनाया हुआ है। गाइस अगर आप जर्मनी के लिंट म्यूजियम को विजिट करना चाहते हो तो इनके जो टिकट रेट्स है वो एडल्ट के है 21 यूरोस, 6 to 15 जिनकी एज है जो बच्चे है उनका है 13 यूरोस, और उससे नीचे जो 6 साल के बच्चे हैं उनका 6 यूरोस। गाइज अगर आप हार्बर साइड आते हो तो आप इस फेरिस व्हील को भी एंजॉय कर सकते हो, अगर आप ग्रुप में आ रहे हो तो आपको पे करने होंगे 30 यूरोस, और फैमिली के 25 यूरोस, सिंगल के जो अडल्ट है उनके है 9 यूरोस, और जो बच्चे हैं उनका है 6 यूरोस। गाइज यहाँ पर आपको ओलंपिक और स्पोर्ट म्यूजियम भी देखने मिलेगा, तो आप इसे भी विजिट कर सकते हो। वाओ देखिए यहाँ पर है ओपन जिम। गाइस ये है राइन रिवर और हम सिल्वर इन ब्रिज के बराबर नीचे खड़े हैं, और आप देख सकते हो इस व्यू को, इट्स अ ब्यूटीफुल रिवर और व्यू भी बहुत अच्छा है। गाइस देखिए ये है सिल्वर इन ब्रिज जहाँ पे लोग वॉकिंग कर रहे हैं और उसके साथ ट्रेन भी जा रही है। गाइज राइनो हार्बर ये 38 एकड़ में फैला हुआ है, ये राइन रिवर के सदर्न रेलवे ब्रिज और सिल्वर इन ब्रिज के बीच स्थित है। इस हार्बर में क्रिएटिव बिजनेस की कई कंपनीज है जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, कैप आर्म सुड़काई, जर्मन स्पोर्ट एंड ओलंपिया म्यूजियम, और यहाँ पर लिंट चॉकलेट म्यूजियम भी है। ये हार्बर पहले एक कमर्शियल पोर्ट था, अभी इसे एज प्राइवेट यॉट मरीना यूज किया जाता है। क्रान हाउस प्लस, क्रान हाउस वन और पांडियन विस्टा बिल्डिंग है, इन बिल्डिंग्स को हिस्टोरिकल हार्बर क्रेन के शेप में बनाया गया है। गाइस ये देखिए राइन हार्बर का मरीना है जहां पर यहां के जो लोकल्स हैं उनके प्राइवेट बोट्स की पार्किंग की जाती है। गाइस ये है हार्बर ऑफिस जहां से यह हार्बर का कंट्रोल किया जाता है। गाइस आज हमने पूरी तरह से एक्सप्लोर किया क्लोन सिटी को और आपको दिखाए बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस। होप आपको ये मेरा वीडियो, ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस तरह के कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, एक नए ब्लॉग में। बाय बाय।